हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ बासुंदी की रेसिपी। आप इस रेसिपी को किसी भी पार्टीज़ में, फंक्शन में या फिर जब भी आपका कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन करे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस मज़ेदार जायकेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने पैन लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 लीटर दूध। दूध की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध में उबाल आने देंगे, गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और इसे ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे दूध तले में चिपके ना। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूध को हम ऐसे ही पकने देंगे और इसकी जो ऊपर से मलाई आ रही है उसे हम दूध में मिलाते जाएंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, बादाम और पिस्ता लिया है, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ केसर के रेशे। केसर से बासुंदी में बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। केसर डालने के बाद हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और केसर का कितना अच्छा कलर आ गया है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए, चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये मज़ेदार बासुंदी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे बासुंदी और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेंगे। बासुंदी को मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाती है और इसका टेस्ट में तो कहना ही क्या है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसे एक बार खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। अब हम इसकी पिस्ता से हल्की सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी आप देखते रहें। आप इसे बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जिससे आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।